नमस्कार। यूपी के सोनभद्र में हुए घटना को लेकर के प्रियंका गांधी ने 26 घंटे बाद अपना धरना खत्म कर दिया है। आखिरकार गेस्ट हाउस में पीड़ित परिवारों से मुलाकात करके प्रियंका गांधी ने इस पूरे घटनाक्रम को जो है खत्म कर दिया है। प्रियंका गांधी मांग कर रही थी कि जिस घटना हुई है उसके मौके पर जाकर के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की जाए। उनके साथ साथ वो चाहती थी कि वहाँ से लोगों की सुनवाई करके उनके दुख दर्द को बांटना चाहती थी। उन्होंने यूपी सरकार के ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि वो कानून व्यवस्था का ध्यान नहीं रख रही है। साथ ही यूपी के बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा है कि प्रियंका गांधी सब कुछ राजनीतिक ड्रामा कर रही है और इनके साथ साथ वो राजनीतिक अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकने के लिए कर रही है, जबकि यूपी में कानून व्यवस्था सब कुछ ठीक है। सोनभद्र हत्याकांड के पीड़ित परिवारों के दो रिश्तेदारों से मिर्जापुर के चुनार गेस्ट हाउस में मिलने के बाद प्रियंका गांधी ने कहा है कि उनका मकसद हो गया है और उनको हिरासत से छोड़ दिया गया है। पीड़ित परिजनों से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। उनके घर के लोग इस हत्याकांड में मारे गए थे। वहीं मिर्जापुर के डीएम की ओर से बयान में आया कि प्रियंका गांधी पूरी तरह से आज़ाद है, न तो उनको हिरासत में लिया गया था और न ही उन्हें किसी भी प्रकार से गिरफ्तार किया गया था, किसी भी तरह का मुचलका भरना होगा। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा है कि धारा 144 लगने के बाद अगर कोई राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करना चाहता है तो ये ठीक नहीं है। किसी को भी संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करना नहीं चाहिए।